अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक जेली, इंस्टेंट जेली है। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और साइड में नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस जेली को बनाने के लिए हमें एक पैकेट इंस्टेंट जेली चाहिए। हम एक बोल में 2 कप पानी डालेंगे। हमें इस पानी को गर्म करना है और अच्छे से गर्म करना है। ये पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से बबल्स आने लगे, मतलब इट्स परफेक्ट। ये एक पैकेट सैशे है जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम इस गर्म पानी में एक फुल पैकेट इंस्टेंट जेली पाउडर डालेंगे। मुझे वीडियो स्लोमो में करना बहुत पसंद है, तो ये लीजिए। हमें अभी इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाना है ताकि ये नीचे बैठे ना, क्योंकि अगर ये बैठ गया तो फिर जल जाएगा और आपका पतीला भी जल जाएगा और ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपको सफाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम इसे टाइम टू टाइम मिक्स करते रहेंगे। हमें इतना मिक्स करना है कि जले नहीं। और ये है सैशे जो मैं यूज़ करी हूँ, 85 ग्राम्स का मेजरमेंट। जब हमारा ये सब मिक्स हो गया और बॉयल होने लगा तो हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे बॉयलिंग करना है। हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे थोड़े रूम टेम्परेचर में आने का वेट करेंगे और फिर एक ग्लास डिज़र्ट बोल में डाल देंगे। याद रखें कि आपका मिक्सचर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए या फिर आपका ग्लास शैटर हो जाएगा, इस वजह से इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। फिर हम इस जेली को इस ग्लास बोल में ही रखेंगे ताकि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए। इतना ठंडा होना चाहिए एटलीस्ट कि जब हम इसे फ्रिज में रखें तो रेफ्रिजरेटर ख़राब ना हो, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अब ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के बाद ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है और हम इसे रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 घंटे तक रखेंगे। 4 से 5 घंटे के बाद हमारा जेली कुछ इस तरह से दिखेगा। इतना ब्यूटिफुल, इतना सॉलिड, इतना यमी। जब आप जेली को हाथ लगाएं तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर ये इस तरह से नहीं हुआ और थोड़ा पतला हो गया, इसका मतलब आपने पानी ज़्यादा डाला। अगर आपने पानी कम डाला तो आपका जेली बहुत ही थिक होगा। वो भी यमी है, ज़्यादा पानी डाला हुआ भी यमी है। ये आपकी बनाई हुई जेली है, ये आप कैसे भी काट सकते हैं। मैं इधर कुछ इसे वियर्ड शेप्स में काट रही हूँ। जहाँ मैं यहाँ पे सीधे कट मार रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्लांट मार दिया और मैंने बहुत से लोगों को बहुत अनॉय भी किया, तो तकलीफ़ के लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस जेली के टुकड़े को नाइफ से उठाऊँ, लेकिन A few moments later. जब आप जेली को हाथ में उठाएं तो आपका जेली इस तरह से एकदम जंपी वॉबली होना चाहिए और ये बहुत ही टेस्टी है और बच्चों को बड़ा ही पसंद आता है। आप इस जेली को नॉर्मल डिज़र्ट एज लाइक खा सकते हैं या आप इसे फ्रूट कस्टर्ड में डाल सकते हैं। ये बहुत ही यमी है। ये जेली ज़रूर बनाएं, आप बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए कैसा था और कैसा रहा। शुक्रिया।